मैं मेरे व्लॉग को ही काम समझता है मेरे यार। ये हमको दिया है मेरे इस यार ऋषि, इसने। आज का व्लॉग अपलोड हो चुका है ऋषि के घर से। अभी हम जाएंगे हमारे घर। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी ड्राइविंग सर मिले हमको, व्लॉग भी अपलोड होगा आज का। अभी करंट अफेयर्स रीडिंग करेंगे अपन। आ गए जी हम हमारे घर में। होपफुली 3-4 इयर्स के बाद लोगों को क्या मालूम अभी कैसे दिखता ये सारे ब्लॉक्स जो मैं बना रहा हूँ एज अ मेमोरीज। हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my another vlog. तो डराने की बात ये कुछ नहीं डाउट था। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं फिल्म्स के बारे में। 2022 में जिन जिन फिल्म्स को अवार्ड्स मिले हैं उन फिल्म्स के बारे में हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही सब पूछा गया है बहुत बार। सो चलो कर लिया है बच्चे को। कौन नाही आता तिकडे? शायद उसको गिनती नहीं आती। मम्मी 5 वंदा बाहर गई थी तिथे तुम्हें हाय का है का नहीं ना? सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का तारीख है 11 फरवरी, ठीक है। और हमने लगभग इस बुक को रीडिंग स्टार्ट किया था 31 जनवरी से, शायद आपको मालूम होगा। तो ये 31 जनवरी से अभी तक मैंने इस बुक को यहाँ तक रीडिंग किया है। अभी इतना कुछ बाकी है और मुझे लग रहा है कि वो स्लो रीडिंग चल रहा है। तो आज क्या करते हैं अपन, इसको फिनिश कर दें। मंडे से नया बुक लेंगे पक्का रीडिंग करने को। लेकिन ना मंडे के लिए अभी टू डेज नहीं, खाली है कि आज का दिन ना कल का दिन। तो आज के दिन और संडे के दिन, आज सैटरडे वैसे, तो कल के दिन और आज, दो दिन में इसको एंड करना है मेरे को। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे तब मैं इसको रीडिंग करता हूँ। तब तक आप इस मेरे टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। गौर फरमाएगा इस बात पे, सबसे आलसी भालू जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारे कंट्री में पाया जाता है। आलसी भालुओं के 90% स्पीसीज जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो बता दिया, बाकी आप सब समझ सकते हैं कितना आलस से भरपूर है। वैसे आलसी नहीं है, एनर्जेटिक है अपने इंडिया, समझना है।
सबसे ज्यादा यूथ हमारे इंडिया में. सो दोस्तों, मैं पढ़ रहा था ये इम्पोर्टेंट बुक्स जो रिलीज की गई 2022 में, लेकिन मुझे कुछ अलग सा दिखा यहाँ पे. मेरे को दिखा ये, अरे ई का है बे, बेबी माय स्टोरी, बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा हुआ है. और ये जो है इसराइल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है बेबी. समझ नहीं आ रहा किनके बेबी. दिखा मेरा फेस, समझ तो समझ नहीं आ रहा जी, किन किसके बेबी के ऊपर लिखा है. शायद अपने बेबी पे लिखा होगा, लेकिन क्या इतने करोड़ थे उनके बेबी. चले अपने को क्या, अपने को तो खाली पढ़ाई करना है. King of the road, trader or sailor. 2000 years later. So, दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने प्रॉमिस किया था कि संडे के दिन इस बुक को जो फिनिश करेंगे. और जी हाँ, मंडे से नया बुक फिनिश करेंगे. ट्राई तो भरपूर किया था मैंने इस बुक को फिनिश करने के लिए, रीडिंग कंप्लीट करने के लिए, बट अभी जो बहुत हो गया है नाइट, सब विलेज के लोग सो गए हैं, खाली मैं ही अकेला जाग रहा हूँ और ना मेरे से रीडिंग नहीं हो रहा है, नींद भी आ रही है. और क्यों नहीं हो पाया रीडिंग संडे के दिन, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं और मॉम हम गए थे टेंपल, और वही टेंपल लास्ट टाइम दीदी मैं और मॉम ने विजिट किया था लॉकडाउन के टाइम पे. लेकिन आज हमने दो टेंपल्स विजिट करे. आप उस टेंपल को देखिए ज़रा, तब तक मैं ना इसको ज़रा समझ लेता हूँ. सो मम्मी और मैं और मेरे साथ ये हम जा रहे हैं हमारे गांव के टेंपल में. क्यों जा रहे हैं? दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं. चलो अभी चलो. सो आज हम जा रहे हैं हमारे घर से कुछ 10 किलोमीटर अंतराल में एक टेम्पल है, सबसे फेमस. बचपन में हम जाते थे जब हम साई के उम्र में थे. साई है हमारे साथ. साई लाखों सौ तचे रहा हो साई. हमारे साथ एक लड़का है, उसका नाम है शिवराज. शाबाश शाबाश, एकदम बराबर. बंद करा था. तर पुण्याला जाऊन एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांनो, तुमच्या सर्वांसाठी एक माझ्याकडे स्कीम आहे. या मुलांसारखा अभ्यास करा ना तुम्ही, मंदिरात किती शांतता असते. आहे का नाही? काय नव्हतं? यश गवळी. यश गवळी. ऋषिकेश गवळी ओळखतो का? कोण ऋषिकेश? नाही जाऊन दे तू. आता तू नाव काय तुझं विचारलं, तू म्हणतो गवळी शुभम. तू बी गवळी शुभम. तू गवळी काय पण नाव. ऋषिकेश तेरे मिल गए रिलेशनशिप वाले गौरव भाऊ.